कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अकल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं, अकल इसे माने या ना माने। ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। खुशामदीद आदाब, खुशामदीद। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आइए तशरीफ रखिए जी, बैठिए। आइए आइए यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए, तशरीफ लाइए। अख्तर महमूद इब्ने आरिफ महमूद, आपका निकाह शहनाज बानो बिनते मरहूम तारिक अली बेग के साथ बेवजह मौजल नकद मेहर 5,00,000 रुपया सिक्का रायजुल वक्त के 2 गवाहों के आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत लड़िया मिल गए, मुबारक हो। अरे भैया मुबारक हो, भैया मुबारक हो। अरे भाई जान तुम्हारी मुबारक हो। शहनाज बानो बिनते मरहूम तारिक अली बेग, आपका निकाह अख्तर महमूद इब्ने अख्तर आरिफ महमूद के साथ बेवजह मेहर मौजल 5,00,000 सिक्के राजुल वक्त 2 गवाह वकीलों की मौजूदगी में आपके निकाह में दिया,
आपने कबूल किया? आपने कबूल किया? आपने कबूल किया? बोलो शहनाज। आपने कबूल किया? बोलो शहनाज। शहनाज 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 नहीं, क्या हो गया शहनाज? शहनाज शहनाज, क्या हो गया इसको? शहनाज 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 या अल्लाह शहनाज बेटे अख्तर, शहनाज की मौत का सदमा हम सब के लिए किसी हादसे से कम नहीं, लेकिन बेटे जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, हम इंसानों की नहीं, हम उसकी मर्जी के आगे बेबस हैं बेटे। अफसोस अपनी बेबसी का नहीं अम्मी, अफसोस तो इस बात का है कि शहनाज ने ऐसा क्यों किया। अगर उसे रिश्ता मंजूर नहीं था तो साफ तौर पर इनकार कर सकती थी, उसे हक पहुंचता था, मजहबी एतबार से भी यह गलत नहीं था, लेकिन उसने तो जब तमाम रस्में पूरी हो चुकी तो निकाह के वक्त उसका खुदकुशी करना मेरे लिए एक पहेली बनकर रह गया। अम्मी, मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार शहनाज के घर गए थे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए, आइए आइए जज्जा, आइए अख्तर मियां, आइए आइए जनाब, आइए आइए जज साहब, आइए तशरीफ लाइए, आइए जी आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। सलमा जेबू आपा जी, हम अभी आते हैं। जज साहब, इस घर में आपके कदम क्या पड़े, सारा घर रोशनी में नहा गया। सुल्तान मियां जरा संभल के रहिएगा, हम इसकी रोशनी मांगने आए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है जज साहब कि आपने हमसे कुछ मांगा। आओ बेटी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। रख दीजिए, आप लोग नोश फरमाए जज साहब। भाई अभी ये सब कुछ नहीं, जब तक हम अपनी बहू को नहीं देख लेते ये सब कुछ नहीं। जी बेहतर,
सलमा बानो जी, जरा शहनाज को ले आइए। लाते हैं भाईजान। जी अभी आती है। आओ शहनाज। शहनाज, ये जज साहब, उनकी बेगम आदाब, अख्तर मियां। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। आओ बेटी, आ जाओ। आ मेरे पास आओ। आ जाओ। तशरीफ रखिए, बैठिए। बैठ। जैसा मैं खुद आप लोगों की तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन हमने अपनी बेटी शहनाज की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं रखी। सुल्तान साहब, ये तो सारी दुनिया जानती है कि आप रिश्ते में शहनाज के बहनों ही लगते हैं, मगर प्यार बाप का दिया है। और शहनाज को देखना एक रस्म थी, सो देख ली। क्यों रजिया जी? बिल्कुल, आप यूं समझ लीजिए कि हमें शहनाज पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। जी शुक्रिया, लेकिन मैं अख्तर मियां की भी राय जानना चाहूंगा। क्यों नहीं? जी सुल्तान साहब, अम्मी और अब्बू की राय से मुझे 100% इत्तेफाक है। जीते रहो, खुश रहो, खुदा की रहमत बरसती रहे। जैसा वैसे मैं हूं तो पुराने ख्यालात का आदमी, लेकिन शादी ब्याह के मामले में मेरे ख्यालात पुराने नहीं। हमारी शहनाज पढ़ी लिखी और जदीद तालीम से आरास्ता है। अगर अख्तर मियां चाहें तो तन हमें शहनाज से बातचीत कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। हाँ शहनाज, जाओ अख्तर मियां को जाकर अपना कमरा दिखाओ बेटा। हाँ शहनाज, आओ जाओ। जी अबू, मैं हाजिर हुआ। बैठिए। पहले आप तशरीफ रखिए। जी बड़ी अजीब बात है कि हम दोनों नहीं, मेरा मतलब है कि बड़ी अजीब बात है कि हम दोनों अपनी जिंदगी का अहम फैसला करने के लिए मिले हैं। ये फैसला ताउम्र का फैसला होगा, साथ जिंदगी निभाने का फैसला होगा। बस मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं। मैं आपकी इस खामोशी को इकरार समझूं या इनकार? अख्तर साहब, मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहती हूं। अगर मुझे इनकार होता तो क्या मैं यहां आती? हरगिज नहीं, जानता हूं। फिर भी मेरे लिए आपकी राय जानना जरूरी था। सच पूछिए तो आपने जिस खूबसूरती से इस रिश्ते को कबूल किया है, समझ में नहीं आता किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं। अब सब कुछ आप ही करेंगे या मुझे भी कुछ करने का मौका देंगे? जी क्या कहना चाहती हैं आप? दरअसल अख्तर मियां, शुक्रिया अदा तो हमें आपका करना चाहिए जो आपने हमें पसंद किया। आप सिर्फ हमारी पसंद नहीं बल्कि सलमा आपा और सुल्तान भाई की भी अव्वल पसंद है। और सच पूछिए तो जो लड़की आपके घर जाएगी उसे अपनी किस्मत पर नाज होगा। ये नवाजिश है, ये इनायत है, पर ना मैं क्या और मेरी हकीकत क्या। वैसे अगर अम्मी की बात पर गौर करें तो
वो भी गलत नहीं कह रही थी, जो भी कह रही थी ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी अम्मी जान? अम्मी कह रही थी कि अख्तर आज जो तुम लड़की को देखने जा रहे हो वो लाखों में कोई एक है। क्या? नहीं मेरा मतलब है लाखों में कोई एक है। हाँ शहनाज, तुम वाकई लाखों में एक थी। अम्मी, शहनाज का मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी मेरी नजरों के सामने है। तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ बेटे, लेकिन फिर भी एक बात बड़ी हैरत की है। निकाह की रस्म से पहले जब भी हम उनके घर गए, शहनाज हमेशा हमें सलीका पसंद, नेक दिल, फरमाबरदार लड़की नजर आई। फिर शादी में उसकी रजामंदी भी थी और अचानक ऐन निकाह के मौके पर उसने खुदकुशी जैसा गुनाह क्यों किया? सच बोलो बेटे, अभी तक मेरा दिल गवाही नहीं देता कि उसने खुदकुशी की। मगर रजिया बेगम, ये हकीकत है कि शहनाज ने खुदकुशी की है। उसने हमसे ही नहीं, इस जहां से भी नाता तोड़ लिया है। खुदा उसकी रूह को जन्नत बख्शे। आमीन। अब तो उसका चेहलम भी हो चुका है। और हां, उनके यहां से ये आया हुआ सारा सामान हमें वापस करना होगा। सलमा, अख्तर मियां के वालिद और वालदेन आए हैं हमारे शहनाज का शगुन लौटाने। सलमा बानो, जो भी हुआ उसे अल्लाह की मर्जी समझिए। ये शहनाज नहीं है, ये शहनाज नहीं है, संभालिए अपने आप को। माफ कर देना मुझे। सलमा भी, संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को, माफ करो सलमा भी, सलमा भी। आप ही इसे समझाइए ना। सलमा, सब्र करो, सब्र करो। अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान बेबस है। संभालो अपने आप को, संभालो। कैसे कैसे संभालू? शहनाज मेरी मेरी बहन ही नहीं, मेरी बेटी भी थी वो। और क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में उसके लिए। मेरा
खुदा गवाह है कि आज तक मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ मैंने कोई काम नहीं किया। मुझे याद नहीं कि शहनाज को कभी मुझसे शिकायत हो या मुझे उससे, कभी नहीं। पता नहीं ऐसा कौन सा दुख था, ऐसी कौन सी बात थी जो वो हम सब को छोड़कर चली गई। हम सब को छोड़कर चली गई। Morning. Get me the marketing reports. Morning. Good morning, sir. Good morning, Anu. Sir, interview 10 बजे शुरू करना है। Mm-hmm. All right. अभी 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। I know it, sir. Send the candidates in. Okay. Good morning, sir. Morning, Ramu. Anu, send the candidates one by one. आप अंदर जाइए। शहनाज, गुड मॉर्निंग सर। बेबी जो लड़की आई थी वो कहाँ गई? पता नहीं सर। अनु। यस सर, क्या बात है? अनु जो लड़की अभी भी यहाँ आई थी वो कहाँ गई? कौन सी लड़की? अनु जिसे तुमने अभी भेजा था अंदर लाल ड्रेस में। तो यही है वो लड़की, मैंने इसी को भेजा था। हेलो सना साहब। कैसे हो अख्तर साहब? ठीक भाई, आपसे जिस किताब के बारे में मैंने कहा था इन सर्च ऑफ द स्पिरिट वो आ गई? एक मिनट आओ। सर्च ऑफ द स्पिरिट शायद आ गई है, मैं देखता हूं जरा। यस, मैं अभी आया। अख्तर साहब थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। टेक योर टाइम। ये रही आपकी किताब। शुक्रिया। सॉरी अख्तर साहब, आपको वेट करना पड़ा। मैं अभी आपकी किताब लेकर आया। अरे किताब तो मुझे मिल चुकी। आपने खुद ले ली? नहीं नहीं किसी लड़की ने ला कर दी। लड़की ने? अख्तर साहब हम दोनों के अलावा यहाँ कोई है नहीं और लड़की ने किताब ला के दी। शहनाज, ये तुम क्या कह रहे हो अख्तर? जी अम्मी, बिल्कुल सच कह रहा हूं। नहीं नहीं अख्तर, ये मुमकिन नहीं। जरा सोचो, दुनिया से एक बार जाने वाले कभी वापस आते हैं क्या? बेटा, ये तुम्हारा महज वहम है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं? चलिए माना जिसे ऑफिस में मैंने देखा वो मेरा वहम है, लेकिन ये किताब लाइब्रेरी में उसने खुद मुझे दी।
इन द सर्च ऑफ डेस्परेट, इसका मतलब है तुम्हें हर लड़की की सूरत में शहनाज नजर आती है। नहीं अम्मी। वैसे बेटे तुम्हारा कसूर नहीं है, शहनाज थी ही ऐसी लड़की, इतनी हसमुख खुश दिल, सबका दिल जीत लेती थी, उसे भूलना नामुमकिन है। मेरे भी बहुत अरमान थे, वो इस घर में आएगी, उसकी पाजेब की झंकार से ये पूरा घर गूंज उठेगा। अख्तर, अख्तर, ये पाजेब की आवाज कहां से आ रही है? पाजेब की आवाज? नहीं तो अम्मी। क्या तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही? नहीं तो क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं कि शहनाज यही थी। शहनाज, 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 अख्तर, अख्तर, अबू, अबू शहनाज आई थी। अख्तर, तुम्हारी अम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है? यही कि आज ऑफिस में शहनाज तुम्हें मिली और उसने लाइब्रेरी में तुम्हें किताब दी। हाँ अबू, ये बिल्कुल सच है, बल्कि वो तो, और ये सब जो हो रहा है, कहो ये भी सच है? जी अबू। अख्तर, हकीकत ये है कि शहनाज मर चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो तुम्हारा वहम है। वहम? क्या सच नहीं है कि तुमने शहनाज के जनाजे को कंधा दिया था? तुमने उसकी कब्र में मिट्टी दी थी? बेटे, ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जो हमें अजीज होते हैं उनके जाने के बाद उनकी याद दिल में घर कर जाती है, और हम उन्हें ख्यालों में देखते हैं, ख्वाबों में देखते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो हकीकत नहीं है, ये सब ख्वाबो ख्याल की बातें हैं, ये महज तुम्हारा वहम है, सिर्फ वहम। भूल जाओ इस बात को बेटे, तुम पढ़े लिखे हो। अगर तुमने शहनाज की मौत के सदमे को दिल से नहीं निकाला
तो ये वहम दीवानगी की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अल्लाह, जाओ जाकर सो जाओ, आप इसे कमरे में ले जाएं। आओ बेटा, उसे अपने जहन से निकाल दो। बेटा उसका इंतकाल हो चुका है, किसी के चले जाने से जिंदगी फना नहीं होती। बेटे कम से कम अपने अब्बू और अम्मी का तो ख्याल करो। अम्मी वो यही थी। भाई रजिया जरा मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। क्या अख्तर सो गया? भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतना समझाने का कुछ तो असर हो उस पर। कुदरत का कुछ ऐसा मुजजा हो कि शहनाज की याद उसके दिल से एकदम निकल जाए, या फिर मैं सोचता हूं कि शुक्रिया, जरा मेरी दवा ला दीजिए कि मेरा ये केस खत्म होते ही हम किसी हिल स्टेशन पर चले जाते हैं। अख्तर मियां भी वहीं साथ होंगे तो मुमकिन है कि वहां की आबो हवा से उनका जहन कुछ बदल जाए, और फिर यहां से दूर रहेंगे तो ज्यादा उनको शहनाज की याद। ये अकेले में किसे बातें कर रहे हैं आप? अरे भैया आप ही से बात कर रहा हूँ। मुझसे? लाइए मेरी दवा कहाँ है? दवाई कब मांगी आपने? अरे भई अभी जब पानी का गिलास रख गई तो आपसे मैंने कहा दवा लाने को। गिलास मैं रख गई? मैं तो अभी अभी आ रही हूँ कमरे में। अभी आई? तो फिर ये पानी का गिलास यहाँ कौन रख गया? मत रो सलमा, मत रो। चोरों का ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? अपने आप को संभालो सलमा, एक शहनाज का गम ही क्या कम है मेरे लिए। अब तुम्हारी हालत देखकर कलेजा कांपने लगा है मेरा। खुदा के वास्ते रोक लो इन आंसुओं को। मैं क्या करूं? मैं हवेली के जिस कोने पर मेरी नजर पड़ती है मुझे हर जगह शहनाज की सूरत नजर आती है। लगता है वो यही मौजूद है। ये तुम्हारी मोहब्बत और शफकत का असर है सलमा। मैं जानता हूं किस कदर प्यार करती थी तुम मुझसे। मैंने भी कम प्यार नहीं किया है उससे। उसकी मौत का गम तो इस जिंदगी के साथ ही जाएगा, पर मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। सुल्तान भाई मेरी बात मानो तो सलमा बी को आप यहां से कहीं दूर ले जाइए। नहीं, मैं ये हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। और रहा रोने का सवाल, तो सिर्फ आपा रोना तो अब मेरा मुकद्दर बन गया है। सुल्तान, मैं ही हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए।
सलमा, मत रो सलमा, मत रो। बार बार जो सवाल मेरे जहन को कचू के देता है, वही सवाल मैं तुमसे पूछने आया हूं। क्यों किया तुमने ऐसा शहनाज, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं जहां भी जाता हूं, लोगों की सवालिया नजरें मुझ पर उठती हैं और जवाब में मैं पश्चिमा हो उठता हूं, क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। शहनाज, क्या खता थी मेरी, क्या कसूर था मेरा, किस गुनाह की सजा दी है तुमने मुझे, किस गुनाह की? शहनाज, जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, मैं वादा करता हूं मैं हर रोज यहां आऊंगा और यही सवाल तुमसे दोहराया करूंगा हर रोज। शहनाज, क्यों, क्यों किया तुमने ऐसा? तारिक अली बेग, आपका निकाह अख्तर महमूद इब्ने अख्तर आरिफ महमूद के साथ बेवजह बहरे मौजूद 5 लाख टिक्का राजुल वक्त 2 गवाह वकीलों की मौजूदगी में आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया, आपने कबूल किया, आपने कबूल किया। बोलो शहनाज, शहनाज भी तुम नजर आई, फिर अचानक गायब हो गई। जिस किसी से मैंने कहा कि मैंने तुम्हें देखा है, सबने उसे मेरा वहम कहकर टाल दिया। नहीं अख्तर, मैं तुम्हारा वहम नहीं, हकीकत हूं।
हाँ ये बात सच है कि अब मैं जिस्म नहीं सिर्फ एक रूह हूं। यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता हूं, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों की तुमने खुदकुशी? नहीं अख्तर, मैंने खुदकुशी नहीं की, बल्कि मुझे मार दिया गया, मेरा कत्ल कर दिया गया। क्या?